तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, क्या हाल है तुम लोगों के? फिर से वेलकम है तुम्हारा एक ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां आज हम खेलने जा रहे हैं एसफॉल्ट 9, जो कि एक रेसिंग गेम है। और भाई मेरे हिसाब से ये एक मोबाइल का सबसे हाई ग्राफिक रेसिंग गेम है, क्योंकि तुम सामने देखो भाई, ग्राफिक्स देखो, और सामने ये लैंसर रेवोल्यूशन कार खड़ी हुई है हमारे, जो कि हमारी पहली कार बनती है इस गेम में आगे। और भाई सच्ची कह रहा हूँ, मैंने जैसे ही इस गेम को डाउनलोड किया ना, इस गेम को खेल के, बस वो जो एक वो मतलब पहली रेस आती है ना, जो कि हमारी मर्जी से भी नहीं आती, वो वाली करके तो मैं सामने वीडियो पे दिखा रहा हूँ। मैंने इस गेम को बिल्कुल भी नहीं खेला, सच्ची कह रहा हूँ, मैंने इस गेम को छुआ तक नहीं है। ये मतलब कि कहते हैं ना कि पहली गेम खेल रहा हूँ और पहली गेम को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम देख सकते हो यहाँ पे फालतू के नोटिफिकेशन सब कुछ आ रखे हैं, ठीक है, और लेवल 1 पे हूँ मैं, तुम्हें वो दिख रहा होगा। और मेरे पास एक ही गाड़ी है, तुम जानते हो ना भाई, एक लेवल पे हूँ, एक ही गाड़ी है, तो मतलब मैंने इस गेम को बिल्कुल भी नहीं खेला, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भाई अब बिना किसी देरी के अपनी रेस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के हमें खरीदनी है बहुत सारी गाड़ियाँ। भाई तुम्हें पता हो ना पता हो, लेकिन भाई मैं ना जो हूँ ना भाई, बहुत मतलब सुपर कार्स का, स्पोर्ट्स कार का बहुत तगड़ा फ़ैन हूँ, सच्ची कह रहा हूँ, मैं बहुत तगड़ा फ़ैन हूँ। मेरे को मतलब कहीं भी ऐसे अगर फ़ोटो में भी दिख जाती है ना, मैं देखने लग जाता हूँ भाई ये गाड़ी कौन सी है, कौन सी नहीं है, कौन सी है, कौन सी नहीं है। भाई मेरे को ना मतलब ये गाड़ियों का एक कह सकते हो ना तुम शौक है, वो बहुत तगड़ा शौक है। तो फिर ना भाई मैं चाहता हूँ कि इस गेम में मेरे एकदम तगड़ा कलेक्शन बढ़े गाड़ियों का। और तुम देख सकते हो भाई अपनी रेस भी स्टार्ट हो चुकी है, क्या ही ग्राफिक्स आ रहे हैं। तो भाई अब चलो अपनी रेस करते हैं बढ़िया तरीके से। और ये जितने भी बंदे ना, सबसे लास्ट में मैं ही हूँ, ठीक है। अब ये जितने भी बंदे, ये देखो हमें सिखा रहे हैं, तुम अब ये तो तुम्हें पता ही चल गया होगा भाई, ये मेरे को सिखा रहा है गेम की कैसे क्या करते हैं। तो ये मेरा पहला गेम है, तुम्हें ये देख के तो पता ही चल गया होगा, ठीक है। तो भाई ये गेम मेरे को सिखा रहा है ऐसा करना है, लेकिन भाई सबसे लास्ट में मैं ही हूँ। अब मैं तीसरे नंबर पर आ चुका हूँ, अब मैं दूसरे नंबर पर आ चुका हूँ, और भाई मेरे को कैसे भी करके ये रेस जीतनी है। और मैं फिर से लास्ट में चले गया यार, चलो कोई नहीं, फिर से आगे चलते हैं। और भाई साहब जल्दी जल्दी, भाई क्या ही भाग रही है मेरी कार, और भाई पीछे से नाइट्रो जो निकल रही है ना भाई, ये देखो एकदम भाई क्या ही स्मोक निकल रहा है, ब्लू स्मोक निकल रहा था ये नाइट्रो, देखो कभी लाल कलर का निकल रहा है, कभी येलो कलर का निकल रहा है, कभी ऑरेंज निकल रहा है, भाई क्या ही निकल रहा है। और देखो भाई मैं रेस जीत भी चुका हूँ, मैं फर्स्ट आ चुका हूँ, मैं रेस जीत चुका हूँ। भाई देखो क्या ही ग्राफिक्स आ रहे हैं, तुम देख सकते हो भाई, ये एक मोबाइल गेम के हिसाब से ना बहुत तगड़े ग्राफिक्स हैं। और अगर मोबाइल में अगर रे ट्रेसिंग का भी ऑप्शन होता ना, और ये गेम अगर कर पाती, मतलब रे ट्रेसिंग करती, तो भाई क्या ही ग्राफिक्स आते, भाई ग्राफिक्स आते, तुम देख सकते हो भाई, मतलब कि अभी इतने तगड़े ग्राफिक्स आ रहे हैं तो तब क्या ही ग्राफिक्स आते। तो भाई अपनी पहली रेस कंप्लीट हो चुकी है, और भाई तुम देख सकते हो यहाँ पे ना मैं फर्स्ट आ चुका हूँ। तो अब ना एक काम करते हैं कि ना अपनी दूसरी रेस भी कंप्लीट करते हैं, और ये मेरे को BMW का ब्लूप्रिंट मिल चुका है भाई, Z4 अनलॉक हो जाएगी मेरी, क्योंकि इसमें ब्लूप्रिंट वाला सिस्टम रहता है। भाई मैंने एसफॉल्ट 9 नहीं खेली, लेकिन एसफॉल्ट 8 तो खेल रखी है थोड़ी बहुत, ठीक है। इसमें थोड़ा ब्लूप्रिंट का सिस्टम है, देखो जैसे कि मेरे को BMW Z4 का भाई साहब ब्लूप्रिंट मिल चुका है एक, और मेरे को 5 ब्लूप्रिंट चाहिए, उसके बाद मेरी ये BMW अनलॉक हो जाएगी। तो भाई आज की इस वाली वीडियो में ये BMW तो अनलॉक करके रहूँगा तुम्हारे सामने। तो चलो अगली रेस करते हैं। तो गाइज आ चुके हैं हम अपनी अगली रेस में, जो कि भाई स्टार्ट होने वाली है। और भाई मैं इस गेम की ग्राफिक्स का दीवाना हो चुका हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। और देखो यार क्या ही तरीके से रेस हमने चालू हुई है, लेकिन भाई मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं ही क्यों सबसे पीछे रहता हूँ, और मेरे पास अभी शुरुआत में नाइट्रो बूस्ट भी नहीं है, और ये कह रहा है डबल टैप करो। तो भाई साहब क्या ही गाड़ी घूम रही है, तुम देख रहे हो क्या ही गाड़ी घूम रही है। और चलो अब जल्दी से ना इस रेस को भी जीतेंगे, और भाई मैं फर्स्ट नंबर पे आने वाला हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर वाला ही बंदा, ये भाई देखो क्या ही गाड़ी टूटी है इस बंदे की, और मैं फर्स्ट नंबर पे ही हूँ शायद, मैं अपने रैंक पे फर्स्ट रैंक पे चल रहा हूँ, ठीक है। अबे यार ये बंदा फिर आ गया फर्स्ट रैंक वाला यार, लेकिन इसकी भी गाड़ी टूट चुकी है गंदी तरीके से। और ये देखो एक और बंदा मेरे से आ गया, उसकी भी गाड़ी टूट चुकी है। भाई मेरी गाड़ी क्या ही कमाल कर रही है यार, मतलब ये इतनी तगड़ी गाड़ी है क्या, मेरे को भी नहीं पता। और भाई साहब चली जा रही है, क्या ही बूस्ट इसमें से पीछे से निकल रहे हैं। और अब जल्दी से जल्दी ये रेस भी मेरे को जीतनी है, ताकि मेरे को वो BMW का एक और ब्लूप्रिंट मिले। और भाई ये रेस कुछ ज़्यादा छोटी नहीं थी भाई, ये रेस भी मैं जीत चुका हूँ एकदम तगड़े तरीके से, ठीक है। और इसमें भी मेरी रैंक फर्स्ट ही है, और भाई साहब ये रेस भी मैं जीत चुका हूँ, और मेरे को एक और Z4 का मिल चुका है ब्लूप्रिंट। तो अब चलो जल्दी से दूसरी रेस भी करूँगा मैं, ताकि ना ये पांचों के पास वो ब्लूप्रिंट जल्दी से जल्दी मैं कलेक्ट करूँ और तुम्हारे सामने ला सकूँ BMW Z4। तो गाइस आ चुके हैं हम अपनी तीसरी रेस में, जो कि भाई एकदम ये अलग जगह पे हो रही है। देखो यार कैसे हमारी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है ऊपर की साइड पे, देखो मतलब कि अलग ही सिस्टम बना रखा है इसमें, ये देखो नीचे से छोड़ दिया।
और भाई साहब ये पहाड़ों वाले इलाकों में अपनी रेस स्टार्ट हो चुकी है, और ये देखो मेरी गाड़ी ने चक्कर खाना भी स्टार्ट कर दिया है भाई। और अब इनकी गाड़ियां फिर से तोड़ूंगा मैं, चिंता ना करो तुम, इनकी गाड़ियां फिर से तोड़ूंगा मैं और गंदी तरह तोड़ूंगा। और भाई बर्फ पे भी अपनी गाड़ी एकदम कितनी गंदी भाग रही है, इन पीछे से जो बूस्ट निकल रहा है ना वो तो अलग ही, मतलब ये बर्फ पे ना अलग ही चमक मार रहा है पीछे जो बूस्ट निकल रहा है जो। और उसके बाद ये देखो ये नाइट्रो मेरे को मिल चुका है, और जल्दी से अपनी गाड़ी भगाता हूं मैं ताकि मैं जीतूं। और भाई जैसे ये हम स्पिन करते हैं या फिर ड्रिफ्ट मारते हैं ना, तो फिर भाई अपने को ना ये बूस्ट मिलता है। और देखो फिर से मैं जीत चुका हूँ ये रेस, और ये रेस भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ये रेस भी छोटी सी थी, और इस पर भी मेरी फर्स्ट रैंक आ गई है। अब चलते हैं अपनी चौथी रेस पे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी चौथी रेस पे, जो कि भाई एकदम ही मतलब अलग से रोड पे हो रही है, पहाड़ों साइड वाला इलाका है लेकिन ये रोड वाला इलाका है, मतलब बर्फ पे नहीं हो रही है अपनी रेस ये वाली, ठीक है। और मैं इस बार भी सबसे पीछे हूँ, लेकिन भाई तुम्हारा भाई इस बार भी आगे निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं, ये शायद अपना चौथा ब्लू प्रिंट होने वाला है जो कि हमें मिलने वाला है, और उसके बाद अपनी जेड फोर जो है वो अनलॉक हो जाएगी। ये चौथा होने वाला है पांचवा होने वाला है मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन जोन सा भी होने वाला है, उसके बाद अपनी जेड फोर अपने को मिल जाएगी। तो भाई बूस्ट मैंने लगा दिया है और अपनी गाड़ी एकदम भाग रही है, और ये तीसरे नंबर की गाड़ी कहाँ से आ गई, रुक जा देखो आई और ठुक गई मेरे से। भाई मैंने स्पिन इतना गंदा मार रहा हूँ, और मैं चौथे नंबर पे चल रहा हूँ भाई, मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ, ठीक है। और ये देखो फर्स्ट नंबर की गाड़ी ये रही, और भाई साहब भाई मैंने छोड़ दिया है फर्स्ट वाले बंदे को पीछे। यूज परफेक्ट नेटवर्क टू गेन स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन फॉर ऑल ड्यूरेशन, अच्छा लॉन्ग ड्यूरेशन, अच्छा ये जब ब्लू वाला नेट्रो है ना तो फिर मेरे को इस पर टैप करना है ताकि मैं अच्छे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नेट्रो यूज कर पाऊँ। तो भाई ऐसा ही मैंने कर दिया है, और भाई पीछे से क्या ही ब्लू और ग्रीनिश कलर का नाइट्रो निकल रहा है भाई, अलग ही उसके ग्राफिक्स आ रहे हैं। और ये देखो मेरी कार क्या ही स्पिन मार रही है भाई, मज़ेदार। ये जोन से भी कार है, लेकिन भाई ये कार तो बढ़िया है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, ये कार खराब दी है पहली बार इन लोगों ने, लेकिन पहली बार में इन्होंने बढ़िया कार दे दी है। और ये देखो फिनिश हो चुकी है, और इस बार भी मैं फर्स्ट आया हूँ भाई, इस बार भी तुम्हारा भाई फर्स्ट आया, ठीक है। और ये देखो अब अपने को एक और ब्लू प्रिंट मिल जाएगा जेड फोर का, और अपने को शायद अब जेड फोर मिल जाएगी, या शायद एक और रेस करनी पड़ेगी, पता नहीं, देखते हैं आगे चल के। भाई आ चुके हैं हम अपने पांचवें रेस में, ठीक है। और भाई एक और रेस करनी बाकी रह गई थी जो कि ये लास्ट रेस है, उसके बाद अपनी जेड फोर बीएमडब्ल्यू की अपने पास होगी, ठीक है। तो भाई ये हिमालय की साइड पे रोड्स पे हो रही है रेस, और भाई तुम देख सकते हो यहाँ पे ये कैसे पहाड़ जो है भाई एकदम रोड की तरफ आ रहे हैं, तुम देख लो भाई। और उसके बाद मेरी गाड़ी भी चक्कर खा रही है अलग ही तरीके से, अगर ये पहाड़ ऊपर गिर गए तो भाई, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मेरे को लग नहीं रहा, लेकिन भाई अलग ही, मैं जब तक जब जब इसे ड्रिफ्ट मरवाऊंगा ना, वैसे वैसे मेरा जो है ना मतलब ये बूस्ट जो है बढ़ता जाएगा। और ये कह रहा है कि मेरे को ना अगर मेरा बूस्ट बार जो है फुल हो ना नेट्रो बार, तो उस पर ना नेट्रो का आइकन पे मेरे को डबल क्लिक करना है ताकि मैं एकदम एकदम शॉक वेव से ना आगे बढ़ सकूं, ठीक है। तो मैं समझ चुका हूं ये, और आगे अब मेरे को एक और जंप मारनी है, और भाई साहब मैंने एक जंप मारी और एक कार को हवा में स्पिन करवा दिया, पीछे वाली कार टूटी गई पूरी की पूरी। और ये देखो मैं फिर से आगे जाया जा रहा हूँ, एक ये शॉक वाला जो सिस्टम है ना बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि भाई एकदम से मेरी कार स्पीड पकड़ती है, बढ़िया मजा आ जाता है। और भाई मेरी कार घूमते घूमते ओ शिट, मेरी कार घूमते घूमते भाई ठुक गई, और ये लास्ट रेस में ही होना था कि चलो फिर से आ चुकी है मेरी कार, लेकिन इस बार मैं गलती नहीं करने वाला भाई, मैं आराम से इस रेस को भी जीतूंगा, ठीक है। और ये देखो ये रास्ते मेरे को देख रहा है कि कौन से पे जाना है, तो मैंने लेफ्ट वाला रास्ता चुन लिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब चलो आगे चलते हैं, और भाई नाइट्रो पे जाता हूं मैं, नाइट्रो चुनना है मेरे को ताकि मेरी स्पीड बढ़े कार की। और भाई मैं सेकंड नंबर नहीं आना चाहता, मेरे को फर्स्ट आना, भाई साहब इसमें मेरी सेकंड रैंक आ गई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन शायद मेरे को कार का ब्लूप्रिंट तो मिल ही जाएगा यार, ऐसी कोई बात तो है नहीं, कार का ब्लूप्रिंट तो मिल, हाँ मिल गया है भाई मेरे को, बीएमडब्ल्यू कार का लास्ट ब्लूप्रिंट मिल चुका है, यानी अपनी कार जो है वो अनलॉक हो चुकी है, और मैं भी तुम देख सकते हो लेवल 2 पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो भाई चलते हैं अपनी कार अनलॉक करते हैं, ठीक है। और भाई तुम देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है कि अनलॉक कर सकते हैं हम अपनी कार, और ये देखो बीएमडब्ल्यू जेड फोर जो है वो अपनी अनलॉक हो चुकी है भाई, कितनी तगड़ी लग रही है कार। तो भाई साहब BMW Z4 जो है वो हमने अनलॉक कर दिया है, ठीक है। अब चलो इससे एक काम करते हैं, इस BMW Z4 से ना एक रेस भी करके देखते हैं, ठीक है। भाई आ गए हैं हम अपनी BMW Z4 लेके एक अपनी रेस में, और भाई BMW Z4 को मैं 3 स्टेज तक हर चीज़ में अपग्रेड कर चुका हूँ, चाहे वो टॉप स्पीड हो, चाहे वो नाइट्रो हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो। तो अब देखते हैं कि अपनी BMW Z4 कैसा परफॉर्म करने वाली है इस रेस में। तो भाई साहब शुरुआत तो इसने तगड़ी की है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, लेकिन भाई मैं सबसे लास्ट नंबर पर चल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को जाना है फर्स्ट, आना है मेरे को इस रेस में, रैंक फर्स्ट चाहिए मेरे को। देखते हैं ये अपनी गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी, भाई स्पिन तो एकदम तगड़ा मार रही है,
ठीक है, अब देखते हैं कि इनको तोड़ पाएगी अपनी गाड़ी। लेकिन भाई अभी तोड़ना फोड़ना तो है नहीं कुछ, अपने को फर्स्ट आने पे ज़्यादा फोकस करना है, तोड़ फोड़ पे नहीं। और भाई मैं थर्ड नंबर पे आ चुका हूँ इतनी सी देर में, लेकिन भाई एक दो गाड़ियाँ चार गाड़ियाँ मेरे से फिर से आगे निकल गई। लेकिन भाई ये जो आगे कार मेरे पे टकराई ना, ये खुद टूट गई। और देखो मेरी कार क्या ही चल रही है, क्या ही उसके ऊपर से वो भाई लाइनें सी निकल रही है, तुम देख रहे हो मतलब क्या ही इफेक्ट आ रहे हैं, वो तगड़े लग रहे हैं भाई। तो भाई आगे चल के अब देखते हैं कि वो जीतने वाले हैं मैं जीतने वाला हूँ। वैसे जीतना तो मेरे को ही चाहिए क्योंकि भाई मैंने इसे अपग्रेड भी किया और अच्छी खासी मैं रेस में आगे मैंने पकड़ बना रखी है, ठीक है। और भाई मतलब स्पिन वगैरह भी मार रहा हूँ, मेरे को नाइट्रो भी मिले जा रहे हैं, तो इस बार तो फर्स्ट रैंक मेरी आनी चाहिए। और भाई अपने पास कार भी एकदम तगड़ी वाली है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अपने पास कार एकदम खराब वाली है। पिछली कार भी बढ़िया थी, लेकिन इस बार अपने पास BMW है यार, BMW की बात होती है कुछ, ठीक है। तो फिर आगे अभी दूर दूर तक मैप में मेरे को कोई दिख नहीं रहा है मेरे आसपास, मतलब बंदे हैं वो तेज स्पीड में चला रहे हैं, लेकिन मेरी भी कार अच्छी खासी स्पीड में चल रही है और मेरे को नाइट्रो पे नाइट्रो मिले जा रहे हैं। तो मैं आराम से शॉक वेव लेके आराम से पूरा नाइट्रो लेके आराम से पूरी रेस प्यार से कर लूंगा खत्म। और देखो दूर दूर तक मेरा कोई बंदा नहीं है भाई, इस रेस को तो मैं जीत गया 100% इस रेस को मैं जीत गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, जरा सी दिक्कत वाली बात नहीं है, इस रेस को मैं जीत चुका हूँ भाई, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो अब देखते हैं कि कहाँ है फिनिश लाइन, अपनी फिनिश लाइन क्रॉस करें और जीतें इस रेस को, ठीक है। भाई दूर दूर तक मेरे को फिनिश लाइन दिख नहीं रही है, लेकिन अब मेरे को फिनिश लाइन दिख चुकी है और मैं जीत चुका हूँ भाई, जीत चुका हूँ। और देखो भाई क्या ही वहाँ से मतलब कि वो पटाखे छोड़ रहे थे वो लोग, और देखो फर्स्ट रैंक पे आ चुका हूँ मैं, तो भाई साहब एकदम बढ़िया लगा। और ये देखो क्या ही मतलब रेस के पूरा रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं ये लोग, क्या ही तरीके से मेरी गाड़ी स्पिन मार रही है, बढ़िया तरीके से उसके पीछे से नाइट्रो निकल रहा था अलग अलग रंग के, भाई बढ़िया ही मज़े आ रहे थे। तो भाई अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इस गेम को हम ऐसे ही खेलते रहेंगे और नई नई गाड़ियाँ लाते रहेंगे और जीतते भी रहेंगे और ऐसे ही रेस करते रहेंगे। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो अगर तुम्हें रेसिंग गेम पसंद है, और अगर तुम्हारे किसी दोस्त को भी पसंद है तो उसको भी भाई ये वीडियो दिखा दो। तो मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके भाई वीडियो देखते रहा करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो।